अम्मी तुम पहले मतलब जब स्केट बोर्डिंग करके बुलाना है मैं इसके पास जाऊँगा तो तब तुम और मना कहे को मतलब टाइम का है लग गया तो इसे लग गया तो भाई टाइम के गांव के लोग बहुत परेशान आते हैं बोला इसकी लड़की किसके साथ जाती है पता नहीं फालतू भगाती है तो हम तो डरते हैं ना पढ़े ना लिखे तो हमें तो डर लगे है ना कि हम ना जाने जी कहाँ ला जा अंग्रेज लोग विदेश के हम पन्ना की कुलिया में ढूंढ नहीं सकी हो हम विदेश में ढूंढ ला भी तो इसे हम डराते मम्मी भी डराती पापा भी डराते सब भेज भी में बहुत डराते और जब उन बेचारे कहती लंदन जावे के लाने तो तब भी तो मना करती हम नहीं भेजना नहीं तो गांव के लोग कहते ना कि आपकी लड़की चली जाए तो वापिस ना आया फिर क्या करो दोनों लोग तो हम कहे मर जाएगी रोग तो रोग दिखे बस कोई कहीं सामने रहे तो अगर रो भी ना पा रहे रही आवे वो जब मन में हमको सर समझाओ कि कमला आप चिंता मत करो आपकी लड़की कहीं ना जाए इसका वीजा बनेगा जितना दिन का बनेगा उतना दिन रहेगी वो आपकी लड़की आने को ना करेगी तो वहाँ की पुलिस आपके पन्ना में मैच जाएगी आपकी लड़की तो हम संबोधन आया था पुलिस द्वारा जाने हैं तो हमारी का औकात है पुलिस सब करे अच्छा भी करे बुरो भी करे तो हमको शासन के पाँव में लगा तो हमारा शरीर निर्दोखा होगा ठीक है इससे हमने सोची चलो अब जान लो अब कोई की बात ना मानो गांव वाले की ना अंत गांव वाले और मतलब ऐसे तुम्हारे अंदर कौन सी चीज बदली थी जिससे तुम मतलब कल लगे मतलब कि हाँ ठीक है चलो अब भेज देंगे अब ऐसा ही है कि अब शासन के प्रूप ले तम हर कछू जाने तो हमारे अंदर बदल गया कोई अब दुनिया कछू भी कहे जो हमें करने जो शासन के करने सब उन्होंने अरे भेज दाओ वो फिर वापस भी आ गई तो बच्चों भी लगन लगो कि चलो यार अच्छी बात है बाल बच्चों आगे बढ़ो भी चाह तो अब आज आज मतलब क्या सोचा तुम मतलब जैसे मैं बाहर बाहर गई और अब मतलब कई जगह पे जाकर तो अब वो चीज मतलब अब ये टाइम पे क्या सोचा आज भी सोची कि इसे नीचे ना आवे ऊपर रहे तो अच्छी बात है तो हमें और आनंद आवे कि हमारी इतने रोशन नाम करी हम आओ और आगे करे इज्जत बना के रखे तो हमें और आनंद आए पर जब जब लंदन जावे की लाने बोलते तो गांव वाले का बोलते भी लड़की ले जाए हैं आपकी लड़की को ही कहीं रखवा देंगी ले जाएंगे फिर वापस ना है तो तुम का कर लो तुम ना ढूंढ पा दो हमें डर लगा तू गे भगवान हम मार गए बिना मौत के तो जब थाने को हमें इतला में लगाओ वो बोला था ना थाने वालों की क्यों लड़की तू वहाँ विदेश जाएगी क्या करेगी तो आप वापस आएगी तू कि नहीं आएगी मम्मी पापा को रुलाएगी क्या तो तुमने बोला कि नहीं सर मेरा जितना दिन का वीजा बनेगा उतना दर रहूंगा मेरा वीजा खत्म हो जाएगा तो मैं वापस नहीं आ जाऊंगी तो सर बोला हाँ बेटा ठीक है तो मेरे को भी अच्छा लगा जब साहब के अच्छा लगो तो मुझे भी अच्छा लगो उससे कह रही थी मन में पता नहीं है कि कहाँ जाऊं